हाय, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लाया हूँ उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज आई है सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर के लिए। आपका 174 वैकेंसीज है सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर के लिए। आज आपको मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स आप इस बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 100 रुपया है, एज यूजुअल 100 रुपया है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल के लिए 100 रुपया भरना होगा और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री है, एप्लीकेशन फ्री है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है 24 अप्रैल 2017 से, 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। और आपका क्लोजिंग डेट है, ये याद रखिए, क्लोजिंग डेट बहुत ही नज़दीक आ गया है। आपका क्लोजिंग डेट है 25 मई 2017 रात के 11:55 तक। तो ये आप याद रखिएगा, क्लोजिंग डेट है आपका 25 मई 2017 रात 11:55 तक। तो ये आपको याद रखना होगा, ये लास्ट डेट आ गया है तो भरना है तो भर लीजिए। देखिए, पोस्ट तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। तो ये एग्ज़ाम देना चाहिए आपको, अच्छे है। वैकेंसीज चलिए देखते हैं, वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है, कितना है, कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसीज है। वैकेंसी आपका जनरल अनरिजर्व जनरल के लिए आपका वैकेंसी है 87 वैकेंसीज है, उसमें से 29 रिजर्वड है आपका वोमेन कैंडिडेट्स के लिए, 29 रिजर्वड है और टोटल आपका है 87। और उसी तरह एससी कैंडिडेट्स के लिए 28 वैकेंसीज है, उसमें 9 रिजर्वड है वोमेंस के लिए। एसटी कैटेगरी में 39 से वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 39, उसमें से 13 रिजर्वड है वोमेन के लिए। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एससीबीसी के लिए आपका 20 है, टोटल पोस्ट 20 है, उसमें से 6 रिजर्व है वुमेंस के लिए। और फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए 5 है और ये ईएसएम के लिए 5 है। स्पोर्ट्स पर्सन जो कोटा है आपका, स्पोर्ट्स कोटा में 2 वैकेंसीज है। इस तरह टोटल मिला के 174 वैकेंसीज है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, ये सॉइल एक्सटेंशन वर्कर के लिए 174 वैकेंसीज है और 57 आपका रिजर्वड है वोमेंस के लिए टोटल। तो ये तो था आपका वैकेंसीज। नेक्स्ट, स्केल ऑफ वे कंडीशन ऑफ सर्विस, आपको इसमें सैलरी 5200, तो डिपार्टमेंट साल भी मेड इन कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ रुपीज़ 5200 एंड ग्रेड पे आपको मिल जाएगी उसमें 2000। तो ये आपका उड़ीसा पोस्ट ट्रांसफर उड़ीसा ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के अंडर आता है, जो कि आपके कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होगा, उसमें आप सैलरी होगा 5200 एंड ग्रेड पे आपको मिल जाएगा 2000 का ग्रेड पे आपको मिलता है। तो ये तो था आपका पेइंग स्केल। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी आपका पहला आता है एज। एज का एलिजिबिलिटी क्या है, मुझे मिनिमम एज ऑफ द अबव टू पोस्ट इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 32 ईयर्स। तो आपको बोला है कि आपका एज 21 से लेकर 32 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। आज ऑन 1 जनवरी 2017 में आपका 21 हो जाना चाहिए और 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो था एज। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, द कैंडिडेट मोस्ट है पास्ट प्लस टू साइंस, आपका प्लस टू साइंस चाहिए इसमें, प्लस टू साइंस या फिर आप प्लस टू वोकेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चर अगर किए होंगे तो उसमें भी वो भी हो जाएगा, वो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर ड्राइवन फार्म मशीनरी PDFM फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज बोर्ड काउंसिल और इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट मोस्ट पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज ए लैंग्वेज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उड़िया लैंग्वेज में स्कूल के जो सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट होता है मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन, वो पास होने चाहिए, उड़िया एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका एमई स्कूल में, उड़िया मीडियम एक्सटेंशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट, और है पास्ट टेस्ट इन उड़िया इन एमई स्कूल, एमई स्कूल में, या फिर आपका एमई स्कूल में कुछ उड़िया का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये तो था आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस सॉइल एक्सटेंशन पोस्ट के लिए, सॉइल एक्सटेंशन वर्कर के पोस्ट के लिए। जनरल एबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखते हैं, जनरल एबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मोस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट उड़िया, आपको उड़िया समझ में आना चाहिए,
बोल सकते होंगे, तो अच्छा है, रीड कर पढ़ने आना चाहिए और लिखना आना चाहिए उड़िया। बी ए गुड कैरेक्टर एंड कंडक्ट, आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। बी ए गुड मेंटल कंडीशन, बोल्डली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट, और आपका कुछ भी फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इफ मैरिड मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग। ये तो था आपका जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था ये पोस्ट के लिए। ऐसे ही पोस्ट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप ऐसे ही पोस्ट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा। अगर इस वीडियो में आपका कुछ डाउट रह गया या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है, उसमें आप लिख सकते हैं। मेरा फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/governmentjobnotify। इसमें आप मुझे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो गया या सजेशन हो गया तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस जॉब का जो आपका अप्लाई करने का लिंक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है और नोटिफिकेशन का जो लिंक है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाना। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।